अस्सलामुअलैकुम। पॉपुलर न्यूज के साथ मैं हूँ राबिया रफीक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भेरा 40 दिन से लापता बच्चे को थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने ढूंढ निकाला। अकील घर से सामान लेने निकला था, घर वापस ना आया। लोहेगी ने करीबी थाने में FIR दर्ज करवाई। थाना फैक्ट्री एरिया के SHO मोहम्मद अलियास की सरबराही में एक खसूसी टीम तश्कील दी गई, जिसकी मेहनत के नतीजे के 22 बच्चे को बरामद करके वर्सा के हवाले कर दिया गया। जमीन पर कब्जे के लिए बाअसर अफराद का ज़हनी माजूरों पर तशद्दुद। झंग के नवाही इलाका में मुबैना तौर पर जमीन के तनाजा पर घर में घुसकर मुबशर कैसर और दीगर मुसल्ला अफराद ने बुजुर्ग नसीम माई, दुख्तर शेर मोहम्मद, गुलाम हैदर और दीगर खानदान के अफराद को डंडों से हमला करते हुए तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरीन का आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। उकाड़ा थाना ए डिवीजन की हदूद में जायदाद के तनाजा पर बड़े भाई ने फायरिंग करके अपने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त अकबर गौरी के नाम से हुई। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ओस्ता मोहम्मद सूबाई हुकूमत और महकमा सेहत बलोचिस्तान की जानिब से मुफ्त हेपेटाइटिस तशखीसी कैंप लगाए गए। बलोचिस्तान भर की तरह ओस्ता मोहम्मद सिविल अस्पताल में भी 21 अक्टूबर तक 31 अक्टूबर तक सूबाई एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जारी रहेगा। कैंप में बड़ी तादाद में मर्द और खवातीन के टेस्ट किए जा रहे हैं। सोहबतपुर मांझी टू जैकबाबाद शाह गाजी के रूट पर मुसाफिरों से भरी बस उलट गई। 5 अफराद जा बहक, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज़।